माशाल्लाह यार, ग्राउंड में भी यही चीज़ें छुपा के रखी हुई हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता ना शौक लगा रहे हैं आप जी। ये माशाल्लाह से आप इस घोड़े के बारे में मुझे सही तरह नज़र आ जाए, है कि नहीं उसने लखो फिर। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कोई नया घोड़ा? ये रंगीला है। हाँ ये रंगीला है, वो जिसका चाचा भतीजा है, ये दोनों घोड़े चाचा भतीजा है जी। जी ये निराले घोड़े का बच्चा है। ये निराले का? जी जी माशाल्लाह। अच्छा एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं इधर लखो वाली साइड पे हूँ, राजा जुबैर भाई और सकलैन भाई का फार्म है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत किस्म के घोड़े हैं और वो इंशाल्लाह अभी आपको घोड़े वो सारे दिखाते हैं, उनके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो भी सारी हम लेंगे और शौक अपना भी पूरा करेंगे और आपका भी शौक पूरा करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अंदर जाते हैं, सब घोड़े जाके देखते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, आ जाएँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजन, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजन, आपका क्या नाम है? आमिर हयात भाई। और आप ये हैं जी सकलैन भाई, इनके फार्म पे हम आए हैं, इन्होंने हमें बड़ी मोहब्बत दी है, मेरा एक मरतबा सिर्फ इनसे रब्ता हुआ और इन्होंने हमें वेलकम कहा है। तो अभी हम सकलैन भाई से ये पूछेंगे कि सकलैन भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि जो ये आपका क्लब है इसका क्या नाम है और ये शौक आपका कब से आपके पास है? सर ये हमारे क्लब का नाम पिंडी गाजी क्लब है जी। ठीक है, तो तकरीबन सन 1980 का हमें घोड़ों का शौक है। अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त, बड़ा पुराना शौक है फिर जी, इसका काफी पुराना, दादा परदादा से। ठीक है, तो फिर जब वो उनसे चलता हुआ आगे आप लोगों ने इसको प्रॉपर संभाल लिया? प्रॉपर संभाल लिया। सही है, तो अब मुझे आप ये बताइएगा कि आपके पास इस वक्त कितने घोड़े हैं यहाँ पे? घोड़े तकरीबन 11-12 घोड़े हैं। 11-12 घोड़े हैं। और टेंट पैकिंग के लिए आप लोग खुद राइड करते हैं? जी मैं खुद। तो ये क्या जुबैर बताया ना? नहीं, आमिर भाई आप भी राइडिंग करते हैं? जी जी। तो किले शिले सही उखाड़ लेते हैं? जी माशाल्लाह जी। अभी जो फतेह जंग वाला मेला हुआ था वहाँ गए थे आप लोग? जी गए। अच्छा माशाल्लाह, चलें अब आप ऐसा करें कि मुझे अपने घोड़ों के बारे में वन बाय वन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दें ताकि हमारा जो शौक है वो भी पूरा हो जाए, हमारे व्यूअर्स का शौक भी पूरा हो जाए। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। जी हाँ जी। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने वैसे घोड़े एक नज़र देखे हैं सकलैन भाई, ऐसे ना मेरा दिल खुश होता है घोड़ों को देख के। अच्छा इस घोड़े के बारे में मुझे ये बताइएगा कि इस घोड़े की उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन 7-1 साल है जी। 7 साल जी। और इसका क्या नाम है? इसका नाम गाजी गिफ्टेड है जी। गाजी गिफ्टेड? जी जी। इसका गाजी गिफ्टेड नाम क्यों है ये बताए? ये बस हमें गिफ्ट समझे मिला। अच्छा हुआ अच्छा अच्छा माशाल्लाह जबरदस्त है जी, बहुत खूबसूरत घोड़ा ये, बाल इसके बड़े प्यारे हैं। इनके बालों को शैम्पू कौन सा लगाते होते हैं? जो भी आ जाए जी। जो भी आ जाए सही है। चले जी माशाल्लाह जबरदस्त है, ये बहुत खूबसूरत घोड़ा है, हाइट भी इसकी अच्छी है और काफी हेल्दी घोड़े हैं। अच्छा अब दूसरे नंबर वाला घोड़ा ये, इसके बारे में बताइएगा कि इसकी एज कितनी है और इसका नाम क्या है? ये तकरीबन सर अभी 5.5-6 साल का हुआ है। साढ़े पाँच नाम मार्शल है। मार्शल जी, ये हमने बछेरा लिया था। अच्छा जी, मतलब बछेरा कितने साल का, कितनी उम्र कितनी है? तकरीबन 13-14 महीने का। 13-14 महीने का। अच्छा तो इसका कोई जो रिकॉर्ड, ये किसका बच्चा है? और जग सिंघार का बच्चा है। जग सिंघार, जग सिंघार किसके पास खड़ा है? वो नवाजिश भाई के पास जी। अब ये टॉप सिटी में, पहले वो मियां वकार मियां मोहसिन पुरी साहब के पास था। अच्छा 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 जी, जग सिंघार का बच्चा। चले जी मार, हाँ क्या मसला है? ये काटते शाटते भी होते हैं ना? नहीं नहीं, ये नहीं काटते। ये नहीं काटते जी। वैसे इनमें से कौन सा घोड़ा आप राइडिंग करते हैं? मैं ये वाला घोड़ा राइड। ये वाला घोड़ा जी, फिर इसके बारे में मुझे बताएं अभी। ये इस घोड़े का नाम चर्चल है जी। चर्चल जी। अच्छा मतलब, और एज कितनी है? चर्चल का क्या मतलब हुआ वैसे? ये किसी मुल्क का सदर था चर्चल। अच्छा 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 जी, नहीं ठीक है, सदर है माशाल्लाह, यहाँ का सदर है, समझ गए। तो इसका हाइट वाला घोड़ा है, 64 इंच इसकी 64 इंच हाइट है इसकी जी। अच्छा माशाल्लाह, अच्छा इसके बाल जो है ना माशाल्लाह से बाकी सबसे बड़े बाल हैं इसके जी जी, और ऐसे करली से हैं बड़े खूबसूरत से। ठीक हो गया। हाँ भाई चर्चल, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा नेदाबाज घोड़ा है। अच्छा सही स्पीडर घोड़ा है जी। हाँ जी। इसकी एज कितनी बताई आपने?
ये सर तकरीबन 7-1 साल इसकी सात एज। साल का जी सही जवान है मतलब के। और ये वाला घोड़ा चौथे नंबर का, ये सर जी हुस्ने बरसात उसने जी, बरसात। अच्छा, और इसकी एज इसकी एज तकरीबन अभी 5 साल का ही हुआ है। 5 साल का हो रहा है। जी ये आपकी ब्रीड अपनी है सारी या ये नहीं परचेज की सर, है? परचेज किए हैं सर। सब परचेज किए हैं, जी लेकिन ये है कि अच्छे जो है ना, जिसको कहते हैं जी खानदानी जी घोड़े, खानदानी, वो वाले घोड़े हैं ये। सही है, माशाल्लाह, ये जबरदस्त। हमारे भाई हैं नासर लाठी साहब, उनका अच्छा घोड़ा था शीशा डांस वाला अच्छा जी, वो उसका सरगोधा बच्चा से है बिलोंग करते हैं। सरगोधा से। ठीक जी। ठीक ठीक जबरदस्त हो गया, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत घोड़ा ही। हाँ भाई, एक मिनट, थोड़ा खाना छोड़ ना सर, ऊपर कर ऐसे फोटो बनवा अपनी, माशाल्लाह। इन बेचारों को अलहदा क्यों बंद किया हुआ? उधर जगह जगह नहीं काम थी, थी। जगह कम थी। अच्छा, जी। मैं समझा को मस्तियां चस्तियां करते हैं। अच्छा, ये कौन सा घोड़ा? ये वाला ये सदाए गाजी जी, शिदाए गाजी। और इसकी एज कितनी है? ये तकरीबन 7-1 साल। 7 साल। ये सर जी, ये भी बच्चों के लिए रखा हुआ है। यही बच्चों का? जी और ये? ये घोड़ा बहुत अच्छा घोड़ा है, ये रनसियों वाले घोड़े का बच्चा है, अच्छा, आतिश का। आतिश। जी और ये भी टेंट पैकिंग में जाता जी है? टाइम पैकिंग में जाता है। आपकी अपनी टीम है पूरी ना? जी हमारी दो सेक्शन हैं घर की। दो सेक्शन, ठीक हो गया। सेक्शन जी और एक एक में 4 लोग होते हैं? अच्छा, 4 लोग होते हैं। 2, यानी कि 8 लोग हैं आपके, जी 8 घोड़े दौड़ते हैं। जी जी वाह जी वाह, मजा आ गया। सामा ये चेक कर माशाल्लाह से, ये कौन सा घोड़ा है? ये सर इसका नाम है गोल्डन हीरा। ये तो हमें वो क्या कहते हैं सरप्राइज मिला है, जी। गोल्डन हीरा, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। ये किधर गया हुआ था? ये अच्छा घुमाने के लिए लेके गए हुए थे। अच्छा जी घूमने फिरने गया हुआ था, गोल्डन हीरा, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त। ये गुस्से में क्यों है इतना? थोड़ा इसकी उम्र क्या है? ये जवान लगता है, इसलिए मस्तियां कर ये रहे। कितनी इसकी एज है इसकी? तकरीबन 10-1 साल एज है। 10 साल। हाँ, जी जी ठीक है, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। और ये इसकी राइडिंग कौन करता? इसकी हमारे भाई हैं मारक नवाज जाय साहब, अच्छा वो दौड़ाते हैं जी। अच्छा माशाल्लाह, जबरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये इस वाले घोड़े की चाल जरा, बहुत ही जबरदस्त किस्म की चाल है, ये दिखा जरा। वाह की यार, चस आ गई जी, ले आओ, मोड़ के ले आओ एक बारी, नहीं पर दूर ही ना निकल जाए ना कहीं। पूरा सही रहा। अच्छा, बात सही है फिर, हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल सही नजर आना चाहिए, क्योंकि तो हम तो देख ही रहे हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ग्राउंड में भी यही विदेशन होती है। यही चाल है इसकी, जी जबरदस्त है। और ये वाला तो कलर भी बहुत जो है ना, हाँ मजे का है। जी। इस घोड़े के बारे में मुझे बताइएगा, ये माशाल्लाह, ये दोनों घोड़े हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के लग रहे हैं, इनकी क्या हिस्ट्री है? ये सर जी इस घोड़े का नाम है फखरे लखो। फखरे लखो, जी ठीक है। ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा घोड़ा है और सिलेक्टेड घोड़ा है। अच्छा, जी और वो वाला भी आप वो बता वाला रहे भी थे, घोड़ा जो है वो भी पाकिस्तान का सिलेक्टेड घोड़ा है, अच्छे घोड़ों में से अच्छे जो। घोड़ों में शुमार होते जी हैं। जो ग्राउंड में 3-4-10 घोड़े होते हैं ना, उनमें इन घोड़ों का शुमार है। अच्छा, जी तो इसका बैकग्राउंड क्या है, ये किसका बच्चा ये है? सर देसा का राजा है, घोड़ा था देसा का देसा का राजा। राजा। जी अच्छा, उस घोड़े का बच्चा है फैसल शाह यात। फैसल साले हयात का घोड़ा था? जी अच्छा, माशाल्लाह। और वो वाला, वो वो वाला अब ममता जुड़ी वाला कुल्ला घोड़ा था डांसर, अच्छा उसका बच्चा है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त है ना, सही चार्मिंग घोड़े हैं माशाल्लाह से, है ना। ये तो यार आपने चीज़ें छुपा के रखी हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता ना शौक लगा रहे हैं आप। जी ये माशाल्लाह से, आप इस घोड़े के बारे में मुझे बताएं, ये किधर छुपा के रखा हुआ था आपने? ये सर इधर ही था। अच्छा, ये इस घोड़े का नाम रंगीला है जी। रंगीला, जी माशाल्लाह, मजर भोजिए वाले घोड़े का बच्चा है, मजर फौजिए वाला। मजर भोजिए वाला। अच्छा, फौजिए वाला, जी ये आप सभा घोड़ा तो आपने देखा सबा होगा, घोड़ा मैंने देखा हुआ है, देखा हुआ है, देखा उसका हुआ है। भाई है ये। अच्छा जी यार, वैसे माशाल्लाह, वो भी बड़ा प्यारा घोड़ा है वो सबा जो है, जी और ये भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। कलर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन बड़ा यूनिक कलर है दोनों का, इसका भी और उसका भी, माशाल्लाह, स्टाइल ही जरा वखरा है। जरा जी चला के दिखाए ना इसको ले बाहर सड़क पे, बाहर तेरा पे जरा भाई। हाँ हाँ बाहर बाहर ही ले, बाहर बाहर सड़क बाहर ही ले, पे एक बार चला रहा है, कोई नहीं। नहीं, हिल के राजी है, सबा का भाई है इससे सर सबा। मसला बना हुआ है,
पाँव को, पाँव को कौन इस तरफ वाला? ये बेसिकली कुछ सूंघ का बुखार होता है, ये उसे हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा जी, देखो ज्यादा मसला तो नहीं है ना? नहीं नहीं ठीक ठीक हो जाते हैं ना ये? ठीक हो जाए ये, अब हम लोगों ने ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है सिर्फ। अच्छा जी, नहीं नस्ल तो बहुत ही आला है, खूबसूरत भी है और जालिम किस्म की, माशाल्लाह। बस फिर इसको ना ज्यादा फिर बेशक ना चलाएं, कोई मसला नहीं है। अगर उसके पाँव में मसला ना फिर बेशक रहने दें आप, बस घोड़ा खूबसूरत है, वो ऐसे नजर आ रहा है। ये तो घोड़े को फिर तंग करने वाली बात जी, कच्चे पास कर पड़ेगी। हाँ कच्चे थे कर के ना, माशाल्लाह। जैसे क्लैन भाई ने हमें बताया कि ये जो घोड़ा है इसके, इनके पास बच्चे भी हैं और वो बता रहे हैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। अभी जाके मैं आपको वो वाले बच्चे दिखाता हूँ जो इन्होंने रखे हुए हैं इस वाले घोड़े के। माशाल्लाह यार ये मुझे मोहब्बत हो गई इस घोड़े से, बहुत प्यारा है माशाल्लाह। अब इसके बच्चे देखते हैं जाके। सकलैन भाई मुझे शौक पे शौक दे रहे हैं और माशाल्लाह थोड़ी देर गुजरती है, एक ऐसा खूबसूरत घोड़ा सामने आ जाता है, देख के दिल खुश हो जाता है। एक और ले आए हैं यार माशाल्लाह, इस घोड़े का नाम है हुस्ने लखो। हुस्ने लखो घोड़ा है और देखें आप, चेक करें खुद खुद फैसला करेंगे यार क्या चीज़ है माशाल्लाह। अभी ज़रा साइड से, सामने से आ रहा है ना, साइड से देखें, इधर मैं खड़ा होता हूँ पता चल जाएगा कि हाइट का अंदाजा हो जाएगा थोड़ा सा। हुस्ने लखो आया जी माशाल्लाह, हुस्ने लखो ले जाएं आगे ज़रा ताकि सही तरह नज़र आ जाए, है कि नहीं हुस्ने लखो? फिर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत घोड़ा है, बहुत हाई स्पीडर घोड़ा है, हाई स्पीड घोड़ा जी यार, वो महसूस हो भी रहा है वैसे। ये मुझे इसका, इसकी एज कितनी है इस घोड़े की? इसकी तकरीबन सर सात, तकरीबन सात एक सात साल। किसका उसका बैकग्राउंड क्या है, किसका बच्चा है ये? इसका बाप का तो मुझे नहीं पता, जो नवासा है ना जी, वो मुकद्दर घोड़े का है, मुकद्दर घोड़े का। और अच्छा बहुत मशहूर घोड़ा था वो, अच्छा मुकद्दर जो था। हमारा नस्ल जो है, और नस्ल खूबसूरती दिखा के बोलती है जी, बहरहाल बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है। अब और कोई शौक देना रह गया या बस खत्म हो गए? नहीं अभी आपको थोड़े से देने हैं, दो तीन शौक। ओ यार दे लो फिर जल्दी करो, मैं थोड़ा सा ना इस क्या कहते हैं रिदम से बाहर ना निकल जाऊं कहीं। तो अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? अभी आपको मैं बछेरे दो हैं, वो चेक, बछेरे और वो जो सभा का क्या, सभा कह रहा हूँ जो सभा नहीं, रंगीले के बच्चे जो है जी, हाँ वो देखते हैं। ठीक है आज चलें। अच्छा एक रह गया था शौक, वो भी दे दिया। ये वाला घोड़ा सभा घोड़े का बच्चा है और ये पता नहीं किधर छुपा के रखा हुआ था, वहां से निकाल के लिए हैं। ऐसे क्लैन भाई इसका क्या नाम है वैसे? इसका गुले सभा जी, गुले सभा जी। हाँ सही है, बनता भी यही है वैसे, गुले सभा ही बनता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा घोड़ा, जरा इसको चला के दिखाएं ना, थोड़ा सा इसको जरा चलाएं, गुले सभा के पता चले कैसा है। ये कोई नया घोड़ा? ये रंगीला है। हाँ ये रंगीला है, वो जिसका बच्चा भी अंदर दिखा सफेद वाला। हाँ इस तरफ से रंगीला आ रहा है, रंगीला उसकी, उसका क्लिप बना, चेक कर चाल चेक कर। ये एक ही खानदान के हैं, ये और वो वाला एक ही खानदान है ना जी जी। ये सभा का भाई है जी, भाई और वो उसका बेटा है, चाचा भतीजा है, ये दोनों घोड़े चाचा भतीजा है जी। मैं माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत। ये आप लोगों का अलग सेटअप बना हुआ है यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से नया बनाया आप लोगों ने ना, वो वाला पहले का और ये नया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल प्लान्ड चीजें बनी हुई ऑलरेडी आप। और माशाल्लाह ये घर भी शायद आपका ही है जी जी। माशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना नजरे बद से बचाए और मजीद तरक्कियां दे। अच्छा अब हम जो असल चीज यहाँ पे देखने के लिए आए ना, वो क्या है आप अब हमें बताएं। आ जाओ जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसा जी जो आपने अभी रंगीला घोड़ा नहीं देखा, रंगीला घोड़ा ठीक है, ये उसका बच्चा है, ये उसका बच्चा है, ये आपका अपना यहाँ पे हुआ जी जी। माशाल्लाह यार माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। हाँ इसकी उम्र कितनी है? इसकी उम्र तकरीबन 22 महीने।
अच्छा 22 महीने, माशाल्लाह। ये इसका मतलब है हाइट अच्छी करेगा जी जी अभी अच्छी हाइट करेगा। मजीद। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह अभी 22 महीने का। इसका नाम क्या रखा? इसका नाम अभी तक तो कोई भी नहीं रखा, को बिस्मिल्लाह कर दे, को नाम रख दे इसका, मेरा तो इरादा है इसका नाम व्हाइट रोज रखें। वाइट रोज। जी अच्छा जी नाम है, यकीन माने वाइट रोज अच्छा नाम है। ये वाइट रोज है जी, और ये वाइट रोज है इंशाल्लाह। ये भी 22 महीने का है। ये जिस रंगीले घोड़े का बच्चा है, वो आप लोगों ने रंगीला घोड़ा देखा है कितना खूबसूरत है, उसका ये बच्चा है। ये भी 22 महीने का है। ये इंशाल्लाह जब बनेगा ना, हम भी इधर ही हैं, जिंदगी बाकी रही सकलैन भाई के पास, हम दोबारा आके जरूर दिखाएंगे आपको। तो अब ये वाला कौन सा घोड़ा? ये सर जी बुलंदबख्त घोड़े का बच्चा है, ये रंग बुलंदबख्त बख्त घोड़ा। जो घोड़ा था ना अपना हाफिज अली याद साहब बगाते थे उसे। जी 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 रंग बख्त घोड़ा, बिल्कुल मैंने नाम सुना उसका। उस घोड़े का बच्चा, ये तकरीबन 2 हो गया मौत उस हो। घोड़े का भी तो ऐसा ही रंग है ना? जी ऐसा ही रंग है हाँ, रंग बख्त घोड़ा। ये रंग बख्त घोड़ा वो नहीं है बुलंदबख्त, मलंग बख्त? अच्छा, बुलंदबख्त बुलंद अपना बख्त। ठीक ठीक वो उमर जो भाई का जंग में है, घोड़ा। जंग में है। जी। ठीक है ठीक है, बुलंद बख्त घोड़ा है। उमर भाई लोगों के जो मैंने वीडियो बनाई थी, उनका जंग में जो फार्म है बुलंद बख्त घोड़ा वहां पे है, और इंशाल्लाह मैं वहां पे जाऊंगा, वो घोड़ा आपको दिखाऊंगा। इससे ये मुझे मारी ना देखी, वो घोड़ा भी इंशाल्लाह बुलंद बख्त घोड़ा मैं आपको दिखाऊंगा। ये उसकी औलाद देख लें आप पहले। माशाल्लाह यार, जबरदस्त है, बहुत टॉप की ब्रीड है, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया ये, फिट उसकी है। जो नुकरा कॉलोनी और खोली करने हो, इसकी एज कितनी बताई? ये अभी 2 हुआ है, वो क्या होता है, तकरीबन 2.5 साल 2.5 साल? ऊपर हुआ है। अच्छा, जबरदस्त है माशाल्लाह, बहुत ही जो है ना मजा आ रहा है यहाँ पे मुझे आज। अच्छा, और क्या चीज थी दिखाने वाली? एक ये बच्चा मुझे नजर आ रहा है, जी ये ये किसका? निराले घोड़े का बच्चा है। ये निराले का, जी। माशाल्लाह, निराला घोड़ा। चाचा जिस पे बैठा होता जी जिसमें जी मुझे वो तो सबको पता ही है, जी निराला घोड़ा तो मैंने सबको दिखाया ही है। ये निराले घोड़े का बच्चा है, ये और इसकी माँ कहाँ है? उमर उमर भाई लोगों के पास जो निराला था, मोर का बच्चा। मोर का बच्चा, जी ये उसका बच्चा है। जी ये निराले घोड़े का बच्चा ठीक है। हो गया, माशाल्लाह, निराला घोड़े की जो है ना, माशाल्लाह मैंने देखा ये है, उसका बड़ा आखिरी बच्चा है, जबरदस्त उसके बाद वो मर गया था। फोटो गया था। ये भी जी पिछली ईद पे फोटो है ना मेरे ख्याल से? जी पिछले साल मानसर मेला हो रहा था यार, गलबन उससे पिछले हाँ, साल हो रहा उसे था। साल ही हुआ है तकरीबन मेरे जी ख्याल से। चलो, उसके काफी सारे माशाल्लाह बच्चे हैं, उनके पास भी हैं, और किंग ऑफ द बिल गेम भी आपने देखा था। मैंने देखा है, बिल्कुल किंग ऑफ द गेम। हमारे व्यूअर्स जी ने भी किंग ऑफ ये द गेम देखा इनकी हुआ है। माँ है। ये इसकी माँ है? जी। अच्छा, ये वाली, ये ये इन तीनों की यही माँ है। वो सफेद की भी जी नहीं, तो वो सफेद कैसे हो गया? इसकी जो माँ थी वो भी नुकरी थी, वो जो रंगीला घोड़ा है ना उसका बाप भी नुकरा था, वो पीछे नस्ल चली गई है। अच्छा, मैं भी कहूँ ना, माँ का सफेद है ना, बाप सफेद था, तो जी घोड़ा ये सफेद कैसे हो फखरे गया? इकबाल की बच्ची है, अच्छा, ये ये फखरे भी इकबाल की उम्र बच्ची है। जी ठीक उमर भाई लोगों की। ठीक ठीक मैं समझ गया, जी सही है। ये जबरदस्त संभाली हुई है जी आप लोगों ने, माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त किस्म के घोड़े हैं, और आपकी संभाल भी यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी चल रही है। इस काम में बंदा इंटरेस्ट ले ना, तो ही फिर इसमें कामयाबी है, और शौक भी तभी पूरा होता है, चीजें संभलती भी तभी हैं। ये आया है सामान, ये जरा चेक कराइए, ये चेक करा, नखरा चेक करा जरा, ये इसकी माशाल्लाह नेचुरल चाल है। नेचुरल चाल। अभी जी 22 महीने का माशाल्लाह से, अभी इंशाल्लाह ये मैं दोबारा जरूर इंशाल्लाह आऊंगा मैं, और इसकी वीडियो बनाएंगे। माशाल्लाह यार, माशाल्लाह, मजा आ गया, माशाल्लाह। बस वाइट रोज, तू वाइट रोज है अब, सही है। ऐसा क्यों नहीं खड़ा गया, ऐसा क्यों नहीं खड़ा, दिखाओ शेरा यार ना सही तरह, बिल्कुल। टाइट करके दिखाओ टांगों से जरा बच के, क्योंकि इसकी टांग लग जाए ना बंदा पूरा हो जाता है। हाँ हाँ अच्छा, एक चीज मैंने देखी है, ये जो सबा और जो उसका भाई आपने मुझे दिखाया है, और ये जो उन उस उसका आगे बच्चा है, इनके बाल बड़े प्यारे हैं इन सब के। हाँ, ये ब्लड में होता है ना, इनके बाल वाकई में जो बड़े ये डिफरेंट नस्ल किस्म है के ना हैं, मदरबोर्ड, ये बने इनका खड़ा होना और ग्राउंड में लादा मुख्तलिफ ये नजर आती बड़े है। मुनफरिद नजर आते हैं जी ये वाकई में। इनके इनके बाल साथ, उन्हें नोट किए ये चीज, बाल इनके बड़े डिफरेंट और बड़े जबरदस्त किस्म के करली से हैं। सही है, माशाल्लाह जी, बहुत मजा आया है सकलैन भाई आपके पास, और वाकई में जो चीजें आपने दिखाई हैं ना, चस आ गई है जी, सही गल है।
अब वो राइडिंग करते हैं थोड़ी सी हम राइडिंग करेंगे, उसके बाद हम अपने व्लॉग को एंड करेंगे। और उम्मीद है कि देखने वालों को आज मज़ा बड़ा आया होगा। ये है जी गाजी गिफ्टेड, इस पर हम थोड़ी सी अभी राइडिंग करेंगे। चल भाई गाजी गिफ्टेड हमें राइडिंग करा थोड़ी सी। माशाल्लाह ज़बरदस्त घोड़ा यार, एक चक्कर लगा के आते हैं हम करते हैं। गाजी गिफ्टेड बस बस जबरदस्त माशाल्लाह गाजी गिफ्टेड की हमने राइडिंग किया, बड़ा टैट किस्म का घोड़ा। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। आपने घोड़े देखे होंगे, बहुत ही खूबसूरत किस्म के घोड़े थे, बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे। सकलैन भाई की फुल हमें जो है ना बड़ी मोहब्बत मिली है यहाँ पे, उन्होंने बड़ा इकराम किया हमारा। तो आपने सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। ज़्यादा चीज़ों पे टाइम वेस्ट मैं नहीं करता। अब आप लोगों ने जो मेरा हमेशा का पैगाम है, नमाज़ कायम करें और सुन्नत को फॉलो करें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें, अपने लिए भी दुआ करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानल्लाह।